हाय फ्रेंड्स, मैं आशु भारद्वाज। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका अपना वीज़ा एडवाइज़र आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं हम लोग, वो एक मुद्दे के ऊपर या आपकी डिमांड के ऊपर लेके आते हैं। जैसे कि आपको पता है, आज की हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया गया था कि ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर है। काफ़ी लोगों का कहना है कि सर, ट्रैवल हिस्ट्री हमारी ट्रैवल हिस्ट्री थी, लेकिन उसके बाद भी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। क्या कारण था, किस लिए हुआ? हमने तो सिंगापुर गया, हम मलेशिया थाईलैंड गए, बट फिर भी रिफ्यूज़। अरब कंट्री घूमी, रिफ्यूज़। बट उनको ये नहीं पता होता कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री एक्चुअली काउंट कैसी होती है। काफ़ी एक मेरी वीडियो भी आई थी मैडम के ऊपर, जो कि दुबई की रहने वाली थी, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने ऑल ओवर इतनी कंट्री घूमी थी, फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। ड्यू टू रीज़न क्या था, कैसे था? तो वीज़ा उसका भी लगता है जिसके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती है, ये आप समझ सकते हो कि। लेकिन उसमें कौन कौन होते हैं, जिन लोगों के पास स्पॉन्सरशिप सॉलिड होती है, ब्लड रिलेशन में होते हैं, उनको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन कनाडा का वीज़ा अचीव करना मतलब वेरी डिफ़िकल्ट है, तो आगे से और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है अगले साल से। बिकॉज़ एज पर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि बायोमेट्रिक शुरू हो रही है, तो थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो है मेरी, स्पेशल ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हो, कैसे नहीं बना सकते हो, कौन सी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी काउंट होती है, किस देश की होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप लंदन चले जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि आप स्विट्ज़रलैंड चले जाओगे तो। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं इकोनॉमिक फ्रीडम के अकॉर्डिंग, जो कि एक वेबसाइट के माध्यम से भी आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको बताऊंगा, तो आप देख सकते हो। मैं भी उनसे ही रीड करके ये जो बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, रीड करके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ जो चीज़ें आप नहीं देख पाते हो। तो आज आपको मैं यही बताऊँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनती है और क्या है। तो जैसे कि आपको पता है, हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, हम जैसे शुरू करते हैं कि आज हम एक जो यात्रा इतिहास है अच्छा कैसे होता है, या अच्छा यात्रा इतिहास कैसे होता है, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस टुडे। तो क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना कि सर, हमारे पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी बट वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, रीज़न क्या था? जब रिफ्यूज़ल लेटर देखा तो उसमें रीज़न बस आई है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी गुड ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हम तो सिंगापुर गए थे, थाईलैंड गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि सिंगापुर ट्रैवल हिस्ट्री में नहीं आता है। गुड कंट्री सिंगापुर इकोनॉमिक के कंडीशन में आज देखा जाए तो 2018 की पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक के मामले में सिंगापुर है। तो उसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे सिंगापुर है, किस लिए है, कहाँ से हमें पता चलता है, वो भी मैं आपको लिंक बताऊँगा। तो हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कंट्रीज इन विच द हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल एंड कंसिडरिंग वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रू ए वेबसाइट यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट इन विच लिंक यू विल बी गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, जो मैंने नीचे दिया हुआ है। देखिए www.heritage.org/index/ranking, आप ये वेबसाइट ओपन कीजिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है स्ट्रॉन्ग कैसे बनती है। देखिए, ये चीज़ मैं आपको जरूर बताऊँगा, ये वो पेज है और ये वो ऊपर की 10 कंट्रियाँ हैं जो सबसे सॉलिड ट्रैवल हिस्ट्री में आती है। मैं प्रेफर करता हूँ, जस्ट माई थिंक, ये मेरी सोच है, बाकी मुझे नहीं पता कि लोग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। मैंने आपको पहले बोला कि ट्रैवल हिस्ट्री के बिना भी वीज़ा लग जाता है। कई लोग ऐसे हैं, कई लोगों को हमने मोटिवेट किया, गाइड किया, उनके फर्स्ट फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा के वीज़े मिले हैं। लेकिन अगर किसी को मन में डाउट है कि हमें ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनानी है तो ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाओ, मेरी सोच में आप हांगकांग प्रेफर है, मैं प्रेफर करूँगा हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, और अगर आप जा सकते हो तो शेंगेन वीज़ा अप्लाई कीजिए, जिसमें स्विट्ज़रलैंड भी आता है। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा जो है वेरी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत कम रियल चांस में होटल बुकिंग पे वीज़ा देता है, या तो आपको वहाँ की सिटीज़न की स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, सिटीज़न। आयरलैंड है, इसका वीज़ा भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। न्यूज़ीलैंड का तो आप सभी जानते हैं कि वीज़ा इतनी जल्दी मिलता नहीं है। तो मैं प्रेफर करूँगा हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सारे ही मतलब इसमें आ जाते हैं, शेंगेन में आएंगे, जैसे आइसलैंड, डेनमार्क है। आइसलैंड बल्कि यूरोपियन यूनियन में नहीं आता है, इसका वीज़ा अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है। बट इकोनॉमिक के कंडीशन में कंट्री बहुत अच्छी है, इस्तोनिया हो गया, मॉरिशस आप जा सकते हो। तो मतलब ये जो है मोस्टली फ्री कंट्री हैं, और जो पहली 6 कंट्री हैं ये फ्री कंट्री, इकोनॉमिक कंडीशन में सबसे हाई कंट्रीज़ हैं।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप देख सकते हो 2018 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के जो एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने आपको बताया, ये उसके अकॉर्डिंग बताई गई है। अब हम बात करते हैं कि कैसे, अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो आप जैसे हांगकांग जाइए, हांगकांग का वीज़ा प्री अराइव है, 2500-3000 का वीज़ा है, कोई ज़्यादा नहीं है। हांगकांग का इमिग्रेशन क्लियरेंस बहुत स्ट्रांग है, ध्यान रखना, इमिग्रेशन क्लियरेंस बहुत स्ट्रांग है और वेरी एक्सपेंसिव कंट्री है, इतनी एक्सपेंसिव कंट्री है कि आपको एक पानी की बोतल लेनी होगी तो वो 100 रुपये से नीचे नहीं आएगी, ठीक है। तो $10 हांगकांग डॉलर जो होते हैं, 10 HD जो होते हैं, कुछ ऐसा है हांगकांग डॉलर, HD डॉलर जो है वो $10 की एक बोतल आती है। बिकॉज़ मेरे खुद भाई लोग हांगकांग के, मतलब उनको मिली हुई है, PR मिली हुई है, तो पता है कि उनका थंब लगता है तो वो जाते आते रहते हैं, तो वो पता है मुझे कि वहाँ का इतना एक्सपेंसिव कंट्री है। उसके बाद सिंगापुर है, आप हांगकांग का ट्रिप लगाइए, 1-4 दिन 6 दिन जैसे भी जाना आपको लगा के आ जाइए, वैसे 6 दिन तो मैं प्रेफर करूँगा, एक्सपेंसिस बहुत है, आप 3 दिन के लिए जाइए आराम से घूम के आइए। उसके बाद आप सिंगापुर, मैं आपको प्रेफर करूँगा सिंगापुर जाइए, एक्सपेंसिस कंट्री जरूर है लेकिन आप सिंगापुर 1 हफ्ता काटिए, 2500-2000 में आपको बढ़िया होटल मिल जाएंगे घूमने के लिए, बढ़िया मिल जाएगा। उसके बाद आप दुबई चले जाइए, आप 30-35 हज़ार में दुबई 3-4 दिन घूम सकते हैं, वीज़े के साथ, टिकट के साथ आपका 30-35 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। मलेशिया, मलेशिया आप चले जाइए, मलेशिया भी, बट इनमें गैप डालिए, आप 3-4 महीनों का, 6 महीनों का गैप डाल के जाइए, एक कंट्री में सिर्फ एक ट्रिप ही जाइए, एक ट्रिप में सिर्फ एक कंट्री कीजिए आप। थाईलैंड, थाईलैंड बहुत दूर जाता है, तो थाईलैंड क्या है, थाईलैंड जस्ट इंजॉयमेंट है, बाकी कुछ नहीं है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा काउंट नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात को। लोग बोलते हैं काफ़ी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थाईलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री इतनी काउंट नहीं होती है, इकोनॉमिक कंडीशन में भी वो बहुत नीचे है, और इसलिए आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आप पैसे खर्च कर रहे हो, भले आप एक कंट्री में जाओ वो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री में काउंट हो जाएगी, लेकिन अगर आप 4-4 कंट्री एक ट्रिप में घूम के आ रहे हो तो नेचुरल सी बात है कि आप राउंड, मतलब वही बात है कि नारद मुनि की तरह बस तेल गिरना नहीं चाहिए, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेना, बस तेल की तरफ ध्यान देना है, एक कहावत है, तो वैसा मत कीजिए कि तेल की तरफ ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड का चक्कर, आप ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर मत ध्यान दीजिए कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनानी और आप पूरी कंट्रियों को घूम रहे हैं, आप ये देखिए कि ट्रैवल हिस्ट्री बनानी और स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको ये सिर्फ करना पड़ेगा। तो मैं तो स्पेशली प्रेफर करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी नज़र आए या कुछ आपको लगता है कि नहीं, कुछ जो मुझे नॉलेज नहीं आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए बॉक्स में, और हम इसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा कोई इकोनॉमिक या मेरा कोई मतलब इनकम सोर्स नहीं है, अर्न सोर्स नहीं है यूट्यूब, मेरा जस्ट ये मन की हॉबी होती है कि मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करूं और आप लोगों के सामने जो सच्चाई है वो लेके आऊं, जो एक्चुअल में एक गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपकी किस्मत है कि वीज़ा मिलना नहीं मिलना, ये आपकी किस्मत है, लेकिन आप लोगों के, काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री ऐसे काउंट की जाती है कि एक ट्रिप में एक कंट्री, 2-3 महीनों के बाद दूसरी ट्रिप में दूसरी कंट्री, तो पता लगता है कि ये इंसान इकोनॉमिक कंडीशन में स्ट्रांग है और पैसा खर्चता है, घूमता फिरना इसका शौक है, हर 3रे-4थे महीने या 6वें महीने इसका ट्रैवल होता है वह, तो वो एक अच्छी स्ट्रांग बनती है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप बात करोगे कि आप चले यहाँ से चाइना घुस गए, चाइना से सिंगापुर घुस गए, 15 दिन में सारी कंट्रियाँ गा के एशियन की आ गई, तो वैसा नहीं होता है। सबसे स्ट्रांग ट्रैवल हिस्ट्री इन कंट्रियों की बताई जाती है जो मैंने आपके सामने रखी हुई है, तो आप इस वेबसाइट पेज पे, लिंक आपको मैंने बताया है, उस पे जाके चेक कर सकते हो। तो आप एक कंट्री चूज़ करो, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, ये शेनिंगन बीच है, मैती, अगर आप शेनिंगन लगवा सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप हांगकांग, सिंगापुर, इस्तोनिया हो गया, मॉरिशस हो गया, मलेशिया हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं ये लीजिए। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास शेनिंगन वीज़ा है, मुझे शायद वीज़ा मिल जाएगा, मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी होगी, तो देखिए शेनिंगन वीज़े में यूनियन है, यूरोपियन यूनियन आती है, जिसमें आपको 26-28 कंट्रियाँ जो है घूमने के लिए मिलती है, लेकिन आप कभी ध्यान देना इस बात पे, आप जहाँ पे उतरोगे, जहाँ पे आपकी फ़्लाइट उतरेगी, आपको सिर्फ स्टम्पिंग पासपोर्ट पे वहीं की ही लगती है, आपको बाकी कंट्रियों की स्टम्पिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपके पासपोर्ट की कॉपियाँ जाती है कि आप कौन कौन सी कंट्री घूमे हो, कितनी स्टम्पें लगी हैं। तो अगर यूरोप के आपको 26 कंट्रियाँ घूम भी आते हो तो उसमें ठीक है, आप इंजॉयमेंट करके आते हो, वेल एंड गुड, लेकिन आप सोचते हो कि वो एक ट्रैवल हिस्ट्री में, बहुत गुड ट्रैवल हिस्ट्री में आएगा, तो मेरी नज़र में तो नहीं आएगा, क्योंकि
आप एक देश उतरोगे वहीं पे ही आपके पासपोर्ट पे स्टंप होगी, और सारी कंट्रियाँ जो हैं वहाँ की, वो आप एक ट्रिप में घूम के आ रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया अपनी प्रीवियस एडवाइस में, जो अभी 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले दी, कि ट्रैवल हिस्ट्री एक एक कंट्री से काउंट की जाती है, ना कि ग्रुप में काउंट की जाती है। जो एक कंट्री मजबूत होती है वहाँ पे एक ट्रिप लगाओ एक टाइम पे, वापस आ जाओ 5 महीने 6 महीने के बाद जाइए, ऐसे करके आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। बट मेरी नज़र में ऐसा है कि ये तो मैंने जस्ट आपके लिए एडवाइस दी है, मैंने एक वीडियो रिफ्यूज़ल के ऊपर बनाई है, उसके ऊपर आप देख सकते हो कि उन मोहतरमा ने जो पाकिस्तान से दुबई में रहती है, उन्होंने खुद मेल भेज दी थी, मैंने आपको बताया भी था, उनका मेल भी अटैच की है उसमें, कितनी कंट्रियाँ घूमी हुई उन्होंने। शैनिगन क्या USA गए हुए हैं, हर एक जगह घूमे हुए हैं, फिर भी उनका वीज़ा कैनेडा ने अप्रूव नहीं किया था। क्यों नहीं किया? 4 बार रिफ्यूज़ल मारा। किस लिए मारा? ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, बट आपके डॉक्यूमेंट भी स्ट्रांग होने चाहिए। डॉक्यूमेंट आपका मेन महत्व जो है, मेन जो सॉलिड रीज़न है, वो आपके डॉक्यूमेंट है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, हमारा काम यहाँ पे लोगों को एडवाइस देना है, एक शिक्षा देना है। मैं कंसल्टेंट हूँ, एडवाइज़र हूँ, और मैं सिर्फ आपको एडवाइस करता रहूँगा। तो आगे की वीडियो बहुत अच्छी जो है, एक वीडियो आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आ रहा हूँ, जो कि शुरू हो चुकी है हमारी नेक्स्ट वीडियो। अब अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना हुआ बहुत आसान, अब आपको देना नहीं होगा इंटरव्यू। जानिए हमारी आने वाली वीडियो में कौन सा ऐसा तरीका है जिसके कारण आपको इंटरव्यू के बिना ही वीज़ा मिल जाएगा। शुरू हो चुका है इसके ऊपर काम, अमेरिका ने ये काम शुरू कर दिया हुआ है बड़े ही अच्छे तरीके से, और अब अमेरिका जो है आपके इंटरव्यू नहीं लेगा, आपको वीज़ा स्टिकर मिलेगा, आराम से अप्लाई करना होगा। तो ये हो चुका है बल्कि शुरू, लेकिन हम इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाएंगे कि वीडियो काफ़ी लंबी चले जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको कुछ इसमें मिस्टेक लगे या कुछ आपको कमी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए और इम्प्रूव करके वीडियो लाएँ। क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं वो सिर्फ आपके लिए डालते हैं, अपने लिए नहीं डालते हैं। जहाँ से किसी भी वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वहाँ से सीख लीजिए, उनके बीच में कोई अगर मिस्टेक आती है तो उनको एडवाइस कीजिए कि आप इस वीडियो को ऐसे इंप्रूव कीजिए, या इसमें ये एडिशन कीजिए, या आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। बल्कि कभी भी रॉन्ग कमेंट मत कीजिए, क्योंकि जो भी कोई वीडियो बनाता है वो आपकी नॉलेज के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता है। थैंक यू सो मच।